अब तो बस एक ही धुन है। मदरसा साथ दिया आज हम होटलों में खाना भी खा लिया करते हैं, आज हम चाय की दुकान पर बैठ करके चाय भी पी लिया करते हैं, आज नाश्ते की दुकान पर बैठ करके हम नाश्ता भी कर लिया करते हैं और समोसे की दुकान पर जा करके समोसा भी खा लिया करते हैं। आज के दौर का ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या काफिर और मुशरिक जो अपने मुर्दों की आत्मा की शांति के लिए शराद किया करते हैं, तो क्या उस शराद में शामिल होना या उस शराद की दावत खाना कैसा है। तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के आखिर तक, जानते हैं तफसील के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहु। मदरसा कादरिया चतुर्भुजपुर अमेठी उत्तर प्रदेश की जानिब से मैं माशूक रज़ा अजहरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। काफिर और मुशरिकीन जो अपने मुर्दों के नाम से अपने मुर्दों के तस्कीने रूह के लिए जो शराद किया करते हैं और उन लोगों का ये तरीका होता है, उन लोगों का ये मानना होता है कि जो लोग उस शराद में खाना खाया करते हैं, जो लोग उस शराद में शरीक हुआ करते हैं, ये उनके मुर्दों तक पहुंचा करता है। तो उलमाए किराम लिखते हैं कि शराद में खाना खाना, शराद में शामिल होना ये नाजायज़ और हराम है। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतो रिज़वान आप तहरीर फरमाते हैं, कब्र काफिर पर जाना हराम है और काफिर और मुशरिकीन की शराद में खाना खाना, उनकी दावत में शरीक होना ये नाजायज़ और हराम है। क्योंकि ये काफिर और मुशरिकीन का अकीदा होता है कि उनकी शराद में जितने लोगों ने भी खाना खाया या जिन लोगों ने भी खाना खाया उनके मुर्दों तक पहुंचा करता है। माज़ल्ला अगर यही अकीदा मुसलमान का हो, ईमान वाले का हो, तो यकीनन उसका ईमान चला जाएगा। और ही अगर एक ईमान वाले का अकीदा हो जाए कि मैंने इसकी शराब में जो खाना खाया ये उसके मुर्दों तक पहुंचता है, तो यकीनन उसका ईमान चला जाएगा। क्योंकि काफिर के लिए एहसाल जानना ये नाजायज़ और कुफ्र है। तो दोस्तों, जहां तक हमसे हो सके हमें बचना चाहिए, हमें बुज़ुर्गाने दीन के कौल व फ़ेल पर अमल करना चाहिए, बुज़ुर्गाने दीन की बातों को मानना चाहिए और दीन की बातों को फैलाना चाहिए। तो हमें किसी भी काफिर और मुशरिकीन की शराद में शामिल होकर के या उनके मुर्दों की आत्मा की शांति के लिए जो लोग शराद किया करते हैं, ऐसे कबीरा गुनाह से हमें परहेज़ करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप हज़रात अपने दोस्तों में भेजें ताकि हर मोमिन का ईमान बरकरार रहे, हर मोमिन इससे परहेज़ कर सके, हर ईमान वाला इससे बच सके। तो दोस्तों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों को इस बात की खबर नहीं है वो लोग इस वीडियो को देखें और ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह तबारक व ताला फिर एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।